छोड़ के कहाँ चले गया तुम? ओए दुकान खोल के कहाँ चले गया था? थोड़े दिन पहले इसको इंजेक्शन वगैरह लगाया था। एवरीवन वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज मंडे और सुबह मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, खिली सी सुबह सुबह धूप है, मौसम बहुत ही अच्छा है। और आज जो लोग हैं सारे यहाँ पे धूप का मज़े ले रहे हैं। और आप चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्लाईओवर का जो भी काम था वो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, विद इन 2 या 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो जितनी भी गाड़ियाँ नीचे से आती हैं वो सारी ऊपर से चलेंगी। सो इसलिए हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमारी दुकान में जो भी गाड़ियाँ चलती हैं उस वजह से डस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आप चेक कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो चुकी है यहाँ पर। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, टाइम जाना है बैंक में, कैश जमा करवाना है। और तो चलते हैं फिर सीधा बैंक में। तो चेक कर सकते हैं इस लड़के को, दुकान खुली छोड़ के कहाँ चले गया तुम? ओए दुकान खोल के कहाँ चले गया था? दुकान कहाँ पे खोल के? भाई भी अपना आ चुका है। भाई क्या चक्कर है, दुकान भी लेट खोली आपने? भाई थोड़ा काम किया था यार, बस ये घूमता ही रहता है, दुकान खुली छोड़ के पता नहीं कहाँ पे चले गया होता है। तो वगैरह आते रहते हैं चले जाते हैं, फिर क्या फायदा। तो 26 तारीख का क्या प्रोग्राम भाई? 26 तारीख को भाई डन है सब कुछ, हम पक्का आएंगे। और गाइस आपको बताने की 26 तारीख को अपनी बसंत पंचमी, क्योंकि वो हमारा अपना फेवरेट फेस्टिवल है और जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और 26 जनवरी को हमने डीजे वगैरह पूरा सिस्टम बुक करवा दिया हुआ है, हमारे जितने भी भाई लोग हैं आस पड़ोस के सभी ने कलेक्शन करके पूरा सिस्टम बुक करवाया। और 26 तारीख को पूरा धूम मचाएंगे हम। सो अपना भाई भी अपने साथ आएगा, इंजॉय करेंगे 26 तारीख को, इंजॉय करेंगे। ये भी आएगा। और वो कह दिया कि 25 को डीजे लेके आ जाना हमारे घर पे, क्योंकि 25 को हम उसको पूरा सेट वेट कर देंगे और सुबह 5 बजे हम उसको चलाना शुरू कर देंगे। क्योंकि मज़ा सुबह सुबह ही आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो जो कैश हुए हैं सुबह 5 बजे उठना शुरू हो जाते हैं। सो ये प्रोग्राम है 26 जनवरी का। और अभी का सीन ये है कि अभी हम जाएंगे बैंक में, तो चलते हैं बैंक में, फॉर्म वगैरह ले लिया, फॉर्म फिल कर लिया, तो चलते हैं सीधा बैंक में। और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रिपेयरिंग जल्दी है। पहुंच चुके हैं बैंक में और काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूं मैं बैंक में। हेलो सर, सर अभी देख लेते हैं उस हाथ में, यहाँ पे इन्होंने हीटर भी लगाया, बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो ये बैंक वाले ले रहे हैं, देखो पूरा नीचे हीटर लगा कर। और सर के पास मैं कम से कम कितने 2 महीने बाद आ रहा हूँ। हमारे आस पास में दुकान है फिर भी हम आते नहीं है इनके पास, 2 महीने बाद लगा रहा चक्कर ये। चलो तो गाइस अपना काम हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं सीधा दुकान पे। तो चलते हैं सीधा दुकान में। और आप चेक कर सकते हैं सुबह सुबह काफ़ी ट्रैफिक हो चुकी है और ट्रक वाले इतनी स्पीड में यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं ना, पूछो ही मत। और पास में अपना मंदिर भी है, डोगरा मंदिर, बड़े फेमस मंदिर है पुलिस वालों का। तो सुबह सुबह ही बस वाले भी साथ में, सुबह सुबह पुलिस वाले भाई क्या चक्कर होता है यहाँ पे, क्या जानवर किसी ने गाड़ी वाले ने हिट कर दी है। और एक हफ्ते से बेचारा बीमार है, ना चल सकता ना दौड़ सकता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। और हमने अभी थोड़े दिन पहले इसको इंजेक्शन वगैरह लगाया था ताकि ये चल सके। अभी कुछ कल से ये खा भी रहा है, यहाँ पर घास वगैरह पूरी रखी हुई है और थोड़े दिन से भी खाने लगा यहाँ पे। और चेक कर सकते हैं इसकी टांग में लगी हुई है, इसने यहाँ पे इसकी बैंडेज भी की है। सो तो अपने जितने भी ट्रक वाले, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो अपनी गरीब जानवर अगर बीच सड़क पे आ जाता है तो उसको अगर गाड़ी हिट होती है तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है उसको। और हम इंसान लोग तो फिर भी बोल कर कुछ ना कुछ बता सकते हैं, लेकिन जो जानवर लोग हैं वो बेजुबान जानवर हैं, वो कैसे किसी को बता सकेंगे अपनी दर्द और तकलीफ के बारे में। सो जितने भी गाड़ी वाले हैं उनको ध्यान रखना चाहिए और अपनी गाड़ियों को आराम से। ट्रक वाले होते हैं वो तो ऐसे मतलब कि ओवर स्पीडिंग करते हैं ना, और साथ में ओवरलोडिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो आगे आया तो वो तो गया गया, ठीक है। उनको खुद की जान की परवाह नहीं है और दूसरों की जान की परवाह भी नहीं है, ठीक है। चेक कर सकते हैं पता नहीं क्या लेके आया हुआ है, सुबह सुबह गवा लेके आ गया, इसको पता नहीं क्या सुबह सुबह भूख लगती है, सुबह सुबह भूख लगती है इसको, क्या चक्कर गया तेरा? खाएंगे और पेट में दर्द होगी। हवा खाने के बाद कहते हैं अब ये थोड़ी थोड़ी चलती सी दर्द हो रही है, मेरे को पता नहीं क्या चक्कर है। कितना चला के अपने आप अपने लिए 2 लेके आया, भैया के लिए 1 लेके आया, मेरे लिए 1 नहीं लेके आया, क्या चक्कर है तेरा बेईमान आदमी? तेरी पेट दर्द होती है ना तेरी भाई,
मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार गोडाउन में एक बंदे का ऑर्डर आया था कि उसको सामान सप्लाई करना था तो सामान हमने पूरा पैक कर लिया हुआ है बॉक्स में डाल दिया हुआ है और साथ में ये दो बैग्स हैं वो उनको सप्लाई करना है सो अब हम जा रहे हैं बाइक पे तो मैं बाइक पे आके बैठूंगा ये पीछे बैठेगा और सामान को पकड़ेगा चलते हैं फिर और मौसम ठीक है इतनी ज़्यादा ठंड तो है नहीं तो चलते हैं फाइनली गाइस अब हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें सामान सप्लाई करना था सो अभी ये पास ही में दुकान है ऐसा अभी का सीन है कि हमारा जो सामान वगैरह था हमने दे दिया हुआ अभी हम जा रहे हैं वापस अपनी दुकान पे तो चलते हैं सीधा नीचे की ओर गाइस हम वापस आ चुके हैं और बाइक हमने यहाँ पे लगा दी है अब हम जा रहे हैं अंदर और इसी के साथ व्लॉग को करते हैं ख़त्म आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे